देवास उज्जैन हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो चुकी है। हाईवे पर कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अधूरे कार्य के बावजूद टोल टैक्स की वसूली पर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जताई है। रोड पर संकेतक बोर्ड नहीं है। उज्जैन की ओर से देवास शहर की ओर आने वाले वाहन चालक गलती से इंदौर की ओर जाने वाले ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हें गलत रास्ते की जानकारी लगती है, तब वापस लौटते हैं। टोल गेट से कुछ दूरी पर दो रास्ते हैं, एक रास्ता देवास की ओर जबकि दूसरा ब्रिज वाला रास्ता इंदौर की ओर जाता है। यहीं पर वाहन चालक को दुविधा होती है। यहां कोई बोर्ड नहीं होने से वाहन चालक गलती से इंदौर की ओर टर्न ले लेते हैं। इधर से रिवर्स लीजिए और ये देवास की ओर मार्ग जाने वाला है। संकेतक नहीं है, संकेतक निशान नहीं है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है पक्षकारों के साथ। उनके कार्ड होने के बाद क्या नाम है आपका? सलीम कुरैशी, जिला कानपुर। आप देख रहे हैं कि ये एक तो देवास की ओर जाने वाला मार्ग है और एक ब्रिज के ऊपर से ये इंदौर की ओर जाने वाला मार्ग है। अब इस ब्रिज के ऊपर ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का सांकेतिक बोर्ड लगाया है इन्होंने कि जो व्यक्ति इस ब्रिज के माध्यम से जाना है तो वो कहाँ जाएगा। ये आप अगर देखेंगे तो इसमें सीधा दिख रहा है कि ये देवास की ओर ब्रिज जा रहा है, ये देवास की ओर जा रहा है। तो कहीं लोग इसको देवास की ओर जाने वाला ब्रिज समझ के वो सीधे ब्रिज की ओर चढ़े जा रहे हैं और उनको फिर बीच में से पता चलता है कि अपन तो गलत रास्ते पर है। क्योंकि ये गलत चीज किससे हुई है? ये मेन रोड के निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही के कारण हुई है। ब्रिज के पास जो रास्ता देवास की ओर जाता है उसकी चौड़ाई कम होने से वह सर्विस रोड के समान नजर आता है। इस कारण भी बाहर से आने वाले वाहन चालक सीधे ब्रिज की ओर टर्न ले लेते हैं। शिवसेना के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा ने संकेतक नहीं होने और ब्रिज के पास सड़क की चौड़ाई सर्विस रोड के समान होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। टोल टैक्स से वसूली शुरू होने पर आसपास के ग्रामीण भी नाराज है। उन्हें अपने खेत पर आने जाने के लिए टोलगेट से निकलना पड़ता है। ग्रामीणों की शिकायत पर हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल गेट पर पहुंचे और ग्रामीणों की परेशानी से टोल प्रबंधन को अवगत कराया। विवाद कुछ नहीं था, ये आसपास के जो लोकल गांव के किसानों की जमीन है जो टोल से इस तरफ भी है और कुछ टोल से इस तरफ है, तो उनका लगातार आना जाना है। माननीय विधायक जी आज टोल पे इसलिए आए थे कि हमारे जो किसान भाई है जिनको आने जाने में इधर आना जाना पड़ता है और छोटी मोटी काम के लिए भी इधर टोल पार करना पड़ता है, तो उनसे टोल नहीं लिया जाए, इसलिए हम यहाँ आए थे। क्या बात क्या हुई? हो गई उनसे बात, उन्होंने बोला कि ठीक है हम उनको फ्री कर। कुछ पास का बोला जा रहा है? हाँ, जो लोकल है उनको पास बनाए हैं। लोकल जो आधार कार्ड मान्य नहीं है क्या? आधार कार्ड भी मान्य है, जो आधार कार्ड दिखा देंगे या कोई भी आईडी दिखा देंगे तो उनको फ्री कर दिया जाएगा। जो पास बनेगी उसमें कोई शुल्क लिया जाएगा? नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो लोकल है उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। बयान हुआ था जिसके अंतर्गत 330 रुपए का एक शुल्क मासिक। नहीं, वो मंथली पास है, वो अलग विषय है। जिनको मंथली डेली जाना आना रहता है वो अलग पास बनता है, और ये जो लोकल लोगों का जो फ्री पास है ये अलग है। कितने किलोमीटर तक के गाँव होता है ये? करीब 15 किलोमीटर के आसपास के गाँव है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर तक के जो हमारे देवास के इधर इधर के गाँव है और 4-5 किलोमीटर इधर नरवर तक। कोई ऐसा विशेष मामला नहीं था। अभी 3 रोज पहले यहाँ का उज्जैन वाला ये टोल चालू हुआ है और इसके अंदर जो हमारे आसपास गांव जो आते हैं, बांगर, बेरागढ़, असलूखेड़ी हो, चाहे सिंगावदा हो, चाहे नागूखेड़ी हो, लसोलिया, छत्रधार हो, मतलब ये जो आसपास के लगभग हमारे 15-20 जो गाँव है, उन गाँव की बहुत सारों की जमीन टोल से उस पार है, उस पार जाना रहता है। आसपास के जो उस गांव वाले को इधर आना पड़ता है, उस मामले में यहाँ पे आने वाले भविष्य में विवाद ना हो इसलिए यहाँ पे विधायक जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे उनको पास या आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ से आने जाने की सुविधा हो, कोई विवाद नहीं हो, इसलिए यहाँ पे आए थे। अच्छा, यहाँ एक सांकेतिक नहीं है रोड पे, क्या कहेंगे? नहीं, सांकेतिक तो अभी क्या स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई है, तो सांकेतिक भी लगेंगे। जो भी छोटी मोटी आवश्यकता हो आने वाले हफ्ते में, एक आध हफ्ते में पूरी हो जाएगी।